जब से हमारे BTS के मेंबर वी और ब्लैकपिंक की मेंबर जेनी की पेरिस की सड़कों पर घूमते हुए कुछ फोटोज वायरल हो गई थी, तब से हर एक फैनी शिपर्स को यही लगता था कि ये फोटो रियल है और वीडियोस भी रियल है और इन वीडियोस में वी और जेनी ही हैं। कई सारे लोगों के लाख बार कहने पर भी लोगों ने इस बात को नहीं माना कि ये वी और जेनी नहीं थे, क्योंकि कई सारे लोगों को ऐसे बहुत से प्रूफ मिले जिससे ये प्रूव होता है कि वो सच में वी और जेनी ही थे। लेकिन दोस्तों, अब फाइनली इस वी और जेनी की गुत्थी पर थोड़ी बहुत चीजें हमें मिली हैं और कुछ प्रूफ्स ऐसे मिले हैं जिससे पता चल सकता है शायद से कि क्या ये वीडियोस रियल थी या फिर फेक। तो दोस्तों, जिस इंसान ने सबसे पहले इन वीडियोस को पोस्ट किया था, उसने रिसेंटली इन वीडियोस के रिलेशन में कुछ ऐसी चीजें करी हैं जिसको देखकर आर्मीज और ब्लिंक्स काफी शॉक हैं, और उसके बाद कई सारे लोगों ने तो अपने कंक्लूजन्स निकाल भी लिए हैं ये मानते हुए कि वी और जेनी रियल हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो एक जर्नलिस्ट ने वायरल करी थी जिसका कहना था कि उसने पेरिस की सड़कों पर वी और जेनी को साथ में घूमते हुए देखा। हालांकि कई सारे लोगों ने इस जर्नलिस्ट के ऊपर क्वेश्चंस उठाए थे और उन्होंने कहा था कि ये वीडियो फेक है, कोई वी और जेनी बन के यहाँ पर घूम रहा है। और दोस्तों, उसके बाद हाइब ने भी ये स्टेटमेंट लॉन्च करी थी कि वो जो भी लोग ऐसी कॉपीराइट हरकतें कर रहे हैं या फिर जो भी लोग इस तरीके से फेक न्यूज फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो रिसेंटली पता चला है कि जिस जर्नलिस्ट ने सबसे पहले वी और जेनी की फोटोज को पोस्ट किया था और अपने इंस्टाग्राम पे जिसने उनका एक हाईलाइट क्रिएट करके रखा था, उसने अपने अकाउंट से उन वीडियोस को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है। यही नहीं बल्कि कई सारी मीडिया सोर्सेस से पता चला है कि शायद बिग हिट या फिर हाइब और या फिर तेयोंग, किसी न किसी ने तो इस जर्नलिस्ट के ऊपर केस किया था, और जिन लोगों ने वी और जेनी बनकर वहां पर ऐसी फेक रूमर्स फैलाई थी उनके ऊपर भी ऐसे प्रिटेंड करने का केस किया था कि वो मेरी तरह बन के घूमने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, इन सारी कार्रवाइयों के बाद और जो भी रिजल्ट आए उनके बाद ये पता चला है कि शायद इसने डर के मारे उन वीडियोस को डिलीट कर दिया है, ये सोचकर कि कहीं इसके ऊपर भी कार्रवाई ना कर दी जाए। कई सारे लोगों का तो मानना है कि वीडियोस को डिलीट करना ही ये प्रूफ है कि वो वीडियोस फेक थी और उसमें वी और जेनी नहीं थे। और कई सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि जब वीडियोस आई थी तभी कई सारे लोगों ने बोला था कि ये जर्नलिस्ट झूठ बोल रहा है और फाइनली इसने वीडियोस डिलीट कर दी, जिससे पता चलता है कि ये झूठा है। वहीं पर अभी भी कुछ लोग अड़े हुए हैं और उनका मानना है कि नहीं, वीडियोस झूठ नहीं थी। उसने ये नहीं माना है कि वीडियोस झूठी थी, उसने बस वीडियोस को डिलीट किया है। तो लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि उसने सोचा हो कि कल को मेरे ऊपर कोई बात ना आ जाए ऐसे प्राइवेट वीडियोस को दिखाने के लिए। तो कुछ भी हो सकता है। तो आप बताओ कि आपका इस पर क्या कहना है, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।